Hello students, today I am going to explain you the revaluation account which is prepared at the time of reconstitution of the firm. ये एक ऐसा account है जिसे हम reconstitution के time पर prepare करते हैं और नाम क्या है इसका? Revaluation account. ये मैंने आपको यहाँ पर एक picture आपकी book से send की है. Page number 5.31 पर आपको description मिल जाएगा. Explanation मैं आपको भेज रही हूँ. देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है. हमारी बुक्स में जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड की जाती है और वो हमेशा मार्केट वैल्यू से कैसी रहती है? अलग रहती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम की वजह से. क्योंकि जो बुक्स में हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं वो ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद शो करते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू इज़ डिफर फ्रॉम द बुक वैल्यू. लेकिन जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, यानी जब भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, आप ये मान के चलिए कि जब जब फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा तब तब हम फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे और उसकी वैल्यू बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे. अब रिकन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जो मैंने आपको बता रखा है, रिकन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का उन सभी कंडीशंस में जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस चेंज होते हैं और पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज आता है. तो ये कब कब होता है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस कब चेंज होते हैं? जब पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहे, या फिर कोई फर्म में न्यू पार्टनर एंटर कर रहा हो, या कोई ओल्ड पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा हो, या डेथ हो रही हो किसी पार्टनर की, और अगर दो फर्म्स एमलगमेट होती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो उन सभी कंडीशन में फर्म का क्या होता है? रिकन्स्टिट्यूशन होता है. ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. तो जब भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा तभी हमें फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना होगा. रिवैल्यूएशन तो होता है एसेट्स का और रीअसेसमेंट होता है लाइबिलिटीज़ का. यानी हमें ये पता लगाना होगा कि एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है. क्योंकि जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो वो किसी भी टाइप के पुराने लॉस या प्रॉफिट को नहीं लेता, ये ध्यान रखिएगा. इसीलिए हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि जो भी एक्चुअल वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग आगे की बुक्स प्रिपेयर करें और जब नया पार्टनर फर्म में आए तो उससे पहले सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन विच वी शो द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. यानी ये स्पेशल अकाउंट है जो सिर्फ कब कब बनाया जाता है? जब फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है. और जब भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा तो फर्म की एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा और लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाएगा. ये अकाउंट अब आप एडमिशन में भी ऑब्वियसली बात है बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ में भी बनाएंगे, और एक जो चैप्टर मैंने स्किप किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहाँ भी ये अकाउंट बना हुआ है. तो उसे जब हम दोबारा डिस्कस करेंगे तो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, अब क्वेश्चन ये होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है किसी भी एसेट की बुक वैल्यू या लायबिलिटी की बुक वैल्यू का कंपैरिजन उसकी मार्केट वैल्यू के साथ किया जाता है. और फिर जो भी चेंजेस होते हैं, कम या ज़्यादा होता है, तो उस चेंज को हम इस अकाउंट में शो करते हैं. कैसे शो करते हैं? अगर बुक वैल्यू इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो क्या होगा? हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. और अगर बुक वैल्यू कम होती है तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं. कैसे? ये देखिए, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट. जनरल एंट्री क्या बनती है? देखिए यहाँ पर लिखी हुई है. पर्टिकुलर एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. ये देखिए, एसेट अकाउंट इंडिविजुअली, यानी मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी. अब फर्नीचर की बुक्स में वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है,
और एक्चुअल वैल्यू उसकी जब हमने फाइंड आउट की कि अभी हमारा फर्नीचर अगर हम बेचने जाएं तो कितने में सेल होगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू है 60,000। दैट मीन्स वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड। कितने से इंक्रीज हुई? 10,000 से। तो वो जो 10,000 से वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम एसेट के इंडिविजुअल नेम से अकाउंट बनाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी बना सकते हैं, वैसे नॉर्मली इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ही जानते हैं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज, द एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री आप बनाएंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, दैट मीन्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए, तो आपको यही एंट्री रिवर्स करनी होगी। अब मान लीजिए आपका बुक्स में फर्नीचर जो है 50,000 का है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू देखी तो वो सिर्फ 40,000 ही मिल सकती है। दैट मीन्स 10,000 का हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे? ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री होगी ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। अब अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। बिल्डिंग कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही, ये ध्यान रखिएगा। हम एक्चुअल वैल्यू से उसकी बुक वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ। और ये कब कर रहे हैं? जब हमारी फर्म में एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है। तो हमने रिवर्स एंट्री बना दी, जब एसेट की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, एसेट अकाउंट को डेबिट किया। जब एसेट की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और एसेट, इंडिविजुअल एसेट का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। लेकिन लायबिलिटीज़ के साथ जस्ट रिवर्स होगा। लायबिलिटीज़ के साथ क्या होगा कि जब भी लायबिलिटीज़ की वैल्यू इनक्रीज होगी, ठीक है, फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये थर्ड वन जो है, जैसे ही लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स फर्म को एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पे करनी पड़ सकती हैं, तो वो फर्म के लिए लॉस है। ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी आपको शॉर्टकट तरीके से अगर इस अकाउंट को बनाना, तो ये ध्यान रखें कि जब जब फर्म को लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और जब जब फर्म को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से मतलब एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर फर्म को एसेट्स में लॉस होता है तो हम एसेट का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। सेम एज़ जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, तो लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने से भी तो फर्म को लॉस होगा ना, तो ऐसे में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और उस इंडिविजुअल लायबिलिटी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारी बुक्स में हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 के हैं, बट हमें उन्हें एक्चुअल में अगर पे करना होगा तो हो सकता है हमने बुक्स में कम लिख रखे हैं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट हमें उन्हें 20 की जगह 25,000 करना पड़े। तो जो 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, दैट इज़ द लाइबिलिटी, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, जो कि हमारे लिए क्या है? लॉस है। इसीलिए हम लाइबिलिटीज़ के बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इंडिविजुअल लाइबिलिटी के अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, यानी एसेट से रिवर्स होता है लाइबिलिटी का रिलेशन। तो वही सेम एंट्रीज पर ही भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि एसेट बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जबकि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। सेम एज़ अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है, फॉर अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में रिवर्स एंट्री बन जाएगी, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और इंडिविजुअल लायबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि एसेट और लायबिलिटी में रिवर्स रिलेशन है, होता ही है हमेशा। तो इसलिए एसेट बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं,
और एसेट कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, बट लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका भी एक एग्जांपल बताती हूँ, सेम एज एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे पिछले वाले में हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर कितने थे, 20,000। अगर मान लीजिए हमें एक्चुअल में उन्हें पेमेंट करना हो, तो हो सकता है किसी क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 20 की जगह 15,000 ही उसे पे करने हैं, तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जी कितने अमाउंट से करेंगे, पूरी एसेट के अमाउंट से या जो ये कम ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उससे। तो इसका आंसर ये है कि सिर्फ चेंजेस के अमाउंट से, हमें टोटल अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, 20,000 में से हमें पेमेंट कितना करना है, 15,000 का, तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो कितने से बनेगी, 5,000 से। यानी जितना चेंज आया है एसेट की वैल्यू में, सिर्फ उसी अमाउंट से हम एंट्री बनाते हैं, टोटल बुक वैल्यू से नहीं बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी कमियाँ आगे जाके करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर और किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, लेकिन जब हम फर्म में सभी एसेट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ एसेट ऐसी है हमारे पास जिनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो ये वो वाला टॉपिक है फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट। ये वो एसेट हैं जिनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब हमने एडमिशन किया उस टाइम जब हमें पता चला, तो हमें पता चला कि कोई एक एसेट ऐसी है जिसको बुक्स में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था जिसकी बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी बुक्स बैलेंस शीट में उसकी कोई वैल्यू नहीं शो की गई जबकि उसकी वैल्यू है, तो वो कैसी एसेट है, अनरिकॉर्डेड, यानी उसका कोई रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट एक्चुअली। जो एसेट एक्चुअली एग्जिस्ट तो है हमारे पास, बट उसकी बुक वैल्यू कुछ नहीं। तो मान लो वही फर्नीचर अगर 2000 में बिक जाए, स्क्रैप में ही पड़ा है मान लीजिए और बिक जाए, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या बिक सकता है, सेल हो सकता है, हो सकता है हम सेल ना कर रहे हों, बट वो अगर हमने उसको एस्टिमेट कर लिया कि अगर आज हम इससे सेल करें तो ये 2000 का क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी जिस एसेट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा और उससे हमें 2000 क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में एंट्री क्या बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट में मैंने पहले भी बोला कि जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा एसेट से या लायबिलिटीज से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेम एज लायबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ क्या, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है लेकिन हमने उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा। अचानक से भी कई लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उनको हम पेमेंट तो करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। ऐसे में हम लास्ट एंट्री से रिवर्स एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा इस कंडीशन में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अकाउंट क्या कर देंगे हम, उसे हम क्रेडिट कर देंगे इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अकाउंट। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड नहीं है और अगर वो उनसे कोई वैल्यू फ्यूचर में रिसीव हो सकती है या जिनका हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। एसेट होने पर अनरिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से आपको ये जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी है। अब इसमें हम इस प्रोसेस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में या उस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ये तो जनरल एंट्रीज थी, नीचे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी दिया है।
फॉर्मेट क्या है? ऑब्वियसली बात है, ये जो जनरल एंट्री है उन्हीं से ये अकाउंट बन रहा है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ने पर कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड, ठीक है। ये देखिए, एसेट इंडिविजुअली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के टाइम पर जब उनकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट साइड। और जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई तो उसे हम कहाँ शो कर रहे हैं? उसे भी हम क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बन रही है? अब मैं आपसे एंट्री पूछूँ तो क्या एंट्री होगी यहाँ? एसेट की वैल्यू बढ़ने पर एंट्री होगी इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होने पर क्या एंट्री बनती है? इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो कहाँ पहुँच गया? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड, ठीक है। सेम एज अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हमारे पास है तो वो एसेट अगर उससे कोई वैल्यू मिल सकती है, तो अभी एंट्री बताई थी, क्या एंट्री बनाई थी? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये तीनों ही चीज़ें हमने कहाँ शो कर दी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। कहने का क्या मतलब है अगर शॉर्टकट तरीके से समझे तो, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट की वैल्यू बढ़ने पर, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होने पर, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू होने पर उसे क्रेडिट में शो किया जाता है। या दूसरे तरीके से समझें तो, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है एसेट या लाइबिलिटी की वजह से, तो उसे हम कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड। ऐसे ही सेम एज एसेट की वैल्यू कम होने पर और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने पर, देखिए यहाँ पर, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ फर्म को पे करनी पड़े अगर फ्यूचर में, तो वो सभी हम कहाँ शो करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तभी तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? एसेट वैल्यू अगर कम होती है तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंडिविजुअल एसेट अकाउंट। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने पर, सॉरी, एसेट की वैल्यू कम होने पर तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन एसेट की वैल्यू बढ़ने पर हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने क्या एंट्री बनाई थी? फिर से बता रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने पर, यानी एसेट की वैल्यू तो हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो हमें लॉस हो रहा है, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो भी हमें लॉस हो रहा है। तो ऐसे में तब भी एंट्री क्या बनेगी? लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यानी जिसका हमने रिकॉर्ड नहीं रखा था और फ्यूचर में हमें उसे पे करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वो लाइबिलिटी हमारे लिए लॉस है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम एंट्री क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एंट्री शो करनी है। इसके अलावा रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एंट्री अगर कोई है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आएंगी तब आपको और एक्सप्लेन करूँगी। रेम्यूनरेशन मींस रिवैल्यूएशन के टाइम पर हम कोई भी खर्च करते हैं, कोई किसी भी टाइप का रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं, और उसमें हम किसी को रेम्यूनरेशन पे करते हैं या पार्टनर को पे करते हैं रेम्यूनरेशन, तो ऐसे में एंट्री बनती है। जब हम पार्टनर को पे करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, जैसे कि ये बनी हुई है एंट्री, देखिए, ठीक है। एंट्री क्या बनी होगी इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हम पार्टनर को ना देकर एक्चुअल में उसका पेमेंट करें रेम्यूनरेशन का, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, किसी और बंदे को एक्चुअल में उसका पेमेंट कर दें तब ये एंट्री बनेगी। तो अब आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करना है? वही जो हमेशा हम करते आए हैं, क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन करेंगे। इफ़ क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट, दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो,
ठीक है, इसमें न्यू पार्टनर का कोई शेयर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे सभी। इसी ऐसे ही लॉस भी हो सकता है भाई, और प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस भी हो सकता है। लॉस कब होगा? जब हमारे पास डेबिट ज़्यादा होगा, डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लॉस होगा। ये यहाँ पर देखिए दिख रहा है, क्या है ये लॉस? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जो लॉस होगा उसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही या करेंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा जो कि यहाँ आएगा डेबिट साइड, उसे भी हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अकाउंट रिवैल्यूएशन है इसलिए आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वर्ड पूरा भी लिख सकते हो। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो ये समझ आ गया सबको कि प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही होगा। कब होगा प्रॉफिट? जब क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा। और कब लॉस होगा? जब डेबिट ज़्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा। तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। इस अकाउंट को आप आगे आने वाले दो टॉपिक्स में और प्रिपेयर करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से समझें और इसके क्वेश्चंस मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इस अकाउंट में जनरल एंट्रीज़ भी कभी भी पूछी जा सकती हैं इस अकाउंट से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर कर लें, क्योंकि बोर्ड में जनरल एंट्रीज़ कभी भी किसी भी टॉपिक से पूछी जा सकती है, इसलिए जनरल एंट्रीज़ को भी ध्यान से समझ लें और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो मैंने आपको वे बताया है वो भी ध्यान से समझें। बस इसको बनाने का एक ही शॉर्टकट वे है कि एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो बस इतना समझें कि जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में शो किया जाएगा, चाहे वो एसेट में हो या लायबिलिटी में, और जब फर्म को लॉस होगा तो वो डेबिट में शो किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।